पांच लाख रुपए तक अगर कोई बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। साथियों, जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं, उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी एसटी ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं और सारा पैसा बिना गारंटी दिया जाता है। साथियों, एससी एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी एसटी समाज के युवाओं को 8000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। 8000 करोड़ रुपए ये हमारे एससी एसटी समाज के नौजवानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 90 वन उत्पाद को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे। हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। घर में सभी जरूरी सुविधाएं हो, इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। इसका परिणाम है कि एसटी एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है। साथियों, सागर एक ऐसा जिला है जिसके नाम में तो सागर है ही, इसकी एक पहचान 400 एकड़ की लाखा बंजारा झील से भी होती है। इस धरती से लाखा बंजारा जैसे वीर का नाम जुड़ा है। लाखा बंजारा ने इतने वर्ष पहले पानी की अहमियत को समझा था, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबों को पीने का पानी पहुंचाने की जरूरत भी नहीं समझी। ये काम भी जल जीवन मिशन के जरिए हमारी सरकार जोरों पर कर रही है। आज दलित बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में पाइप से पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही लाखा बंजारा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर जिले में 75 अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं। ये सरोवर आजादी की भावना का प्रतीक बनेंगे, सामाजिक समरसता का केंद्र बनेंगे। साथियों, आज देश का दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, हमारी सरकार
उन्हें उचित सम्मान दे रही है, नए अवसर दे रही है। नहीं समाज के लोग कमजोर है, न इनका इतिहास कमजोर है। एक से एक महान विभूतियां समाज के इन वर्गों से निकल कर आई है। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में असाधारण भूमिका निभाई है, इसलिए आज देश इनकी विरासत को भी गर्व के साथ सहेज रहा है। बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया, मुझे खुद उस कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य मिला। यहां भोपाल के गोविंदपुरा में जो ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसका नाम भी संत रविदास के नाम पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को भी पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का जिम्मा हमने उठाया है। इसी तरह आज देश के कई राज्यों में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को अमर करने के लिए म्यूजियम बन रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है। मध्य प्रदेश में भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समाज की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। पातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर किया है। आज पहली बार देश में दलित, पिछड़ा और आदिवासी परंपरा को वो सम्मान मिल रहा है जिसके ये समाज के लोग हकदार थे। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। मुझे भरोसा है देश की इस यात्रा में संत रविदास की शिक्षाएं हम सब देशवासियों को एकजुट करती रहेगी। हम साथ मिलकर बिना रुके भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संबोधन ने हमारे समृद्ध इतिहास का संज्ञान लेते हुए न केवल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि हमारे विविध समाज में एकता समावेशिता को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। देवी सज्जनों, एक बार हाथ ऊपर कर माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के साथ पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके संदेश के लिए और आपकी प्रेरणा के साथ हम एक न्याय संगत, एक एकजुट समाज और एक प्रगतिशील भारत के निर्माण कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंचासीन सभी हमारे नेतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, आप सभी तो आप देख